नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हम बात करेंगे हम सभी के फेवरेट योयो हनी सिंह के बारे में। जी हां, योयो हनी सिंह के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है और फाइनली जैसे मैंने प्रेडिक्शन की थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्रैल 15 के आसपास रिलीज डेट जो है आ जाएगी हनी 3.0 की, और फाइनली आज जो है हनी पाजी ने जो है अनाउंस कर दिया इसके बारे में। हनी 3.0 ऑफिशियली रिलीज होने वाली है 15 अप्रैल को और इसमें 10 गाने होने वाले हैं। और आपको बता दें कि पहले ही मैंने बता दिया था हमारे इंडियन न्यूज एंटरटेनमेंट की टीम ने, जितने भी आपने हमारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, मैंने पहले भी, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी वहां पे मैंने पहले भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये डेट यही होगी। ऑफिशियली मैं पहले बता नहीं सकता था, लेकिन अब फाइनली जो है मैंने आपको अंदाजा एक दे दिया था और वो अंदाजा बिल्कुल सही निकला। 15 तारीख को जी म्यूजिक स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेशन में आने वाली एल्बम और 10 गाने इसमें होने वाले हैं। आपको बता दें कि 9 साल बाद जो है एल्बम दोबारा से आने वाली है और जो फ्लेवर है वो हम सभी को देखने को मिल रहा है, और चॉकलेटी अवतार में नहीं, एक मिट्टी से निकले योद्धा के अवतार में हनी सिंह आने वाले हैं। उन्होंने खुद भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आप मुझे जिस अवतार में देख पा रहे होंगे, चॉकलेटी बॉय नहीं हूं मैं, एक मिट्टी से निकला हुआ, जो मिट्टी में बना हुआ एक योद्धा जो होता है वो हूँ, जो कि 9 साल बाद दोबारा से लोगों के दिलों पर राज करने वापस आ रहा है। और आपको बता दें कि इस एल्बम के बाद आप इंटरनेशनल विलेजर जो कि 2011 में आई थी और 2014-15 में देसी कलाकार का जो फ्यूचर है, उन दोनों को भूल जाएंगे, क्योंकि हनी पाजी ने बोला ये जो थोड़ा इसमें जो एलिमेंट है, इसमें जो एक मिक्सचर है वो फ्यूजन है, जो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज है और थोड़ा सा एडवांस लेवल है 3.0। हर अगर आप टीवी भी लेते हैं, एक टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट आता था, फिर हमारा एलईडी आने लगा, एलसीडी आने लगा, और अब जो है एआई की मदद से टीवी यूज होते हैं और अब कितनी सारी एडवांसमेंट उसमें आ गए। तो अब सोचो कि अब 3.0 वर्जन जब हनी सिंह लेके आएंगे तो कितना उसमें मसाला देखने को हमें मिलने वाला है। और नागन जो है गाने का नाम है NAGAN, और नागन अगर पंजाबी में हनी पाजी ने इसका नाम लिखा है तो नागन थे जेडे नागन, अगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं नागिन के साथ तो फिर वो एक एक रेफरेंस हो सकता है या कुछ भी और भी अलग से कुछ शायद हो ये गाना, लेकिन नागन अगर ये पंजाबी में हनी पाजी ने कहा था, मोस्टली इसके गाने थोड़े पंजाबी इंटरनेशनल विलेजर वाला टच रहेगा, तो नागन तो फिर वो पंजाबी में नागिन वाला एक सीन हो सकता है कि नागिन जो है, नागिन पे पहले भी कई सारे गाने बने, शायद वो भी एक हो सकता है। वो देखते हैं गाना जब आ जाएगा, 15 को इसका पहला ट्रैक आ जाएगा। और वीडियो के बारे में बात की जाए तो इसके वीडियोस ओवरसीज पे सारी शूट हुई हैं, और हनी पाजी ने भी पहले बताया था, डिस्क्लेमर दिया था कि ऐसी ऐसी जगह वीडियो शूट हुई हैं जो जहां पे आज तक किसी भी इंडियन आर्टिस्ट ने शूट नहीं किया म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो एक वो भी एक एक्सपेरिमेंट है और एक नई हिस्ट्री भी इन मेकिंग भी है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 15 तारीख के लिए, और आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि ये लेवल नेक्स्ट लेवल ये एल्बम होने वाली है। और आप भी अगर हनी सिंह के सच्चे फैन हैं तो उस एल्बम को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हनी पाजी हम सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सभी को इतना प्यार कर रहे हैं, और हम उनके लिए इस एल्बम को हिट बना के एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं उनके फैंस बन के। और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो हनी सिंह के जैसा जिसका स्टारडम हो। तो दोबारा से 15 तारीख को मिलेंगे, और नागिन जो गाना है जिसका नाम है वो हम दोबारा से सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। तो आपने भी पोस्टर देख लिया होगा, और आप भी हनी सिंह के अगर सच्चे फैन है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।